नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम आपको पांच वैसे शेयर बताएंगे जिस पे आप जो समझ सकते हैं ये पैंडमिक सिचुएशन है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब ये आपको हर सिचुएशन में रिटर्न देगा। इतना बेहतरीन स्टॉक से और बेहतरीन सेक्टर से है, ये पांच स्टॉक अलग अलग सेक्टर से है और काफी बेहतरीन स्टॉक है। तो सबसे उसमें पहला जो हमारा स्टॉक है वो है फार्मा सेक्टर से फाइजर लिमिटेड। दोस्तों ये काफी बेहतरीन स्टॉक है, एक दिन में देख सकते हैं 1% का रिटर्न, पांच दिन में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न 4% का देख सकते हैं, 1 month में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, यहां से देख लीजिए 1 month में 8.77% का रिटर्न, फिर आप 6 month में देख लीजिए तो भी आपको पॉजिटिव रिटर्न, यहां से आप देख सकते हैं 1.4% का रिटर्न। मतलब जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया, जब भी किया, सबको पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। ईयर टिल डेट में देखिएगा तो ईयर टिल डेट में देख लीजिए तो भी पॉजिटिव रिटर्न 3.75%, 1 year में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, तो 1 year में यहाँ से देख लीजिए 1 year में 39.11%, उसके बाद आप देख लीजिए 5 years में, 5 years में भी पॉजिटिव रिटर्न, तो यहाँ से देख लीजिए 101% का रिटर्न 5 years में, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव रिटर्न। मैक्सिमम ईयर में बात करते हैं तो मैक्सिमम ईयर में भी पॉजिटिव रिटर्न। तो उसके बाद हम दूसरे स्टॉक पर चलते हैं, जो दूसरा स्टॉक से है हमारा वो है डाबर इंडिया। काफ़ी लोग इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं कि HUL इस सेक्टर का लीडर है, लेकिन डाबर भी किसी से कम नहीं है। दोस्तों अभी ये जो ज़्यादातर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो आने वाले समय में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो हमारा सिचुएशन है ये आयुर्वेदिक को बढ़ावा देगा। तो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन और जो नेचुरल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं, नेचुरल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो बनाती है, तो इसके प्रोडक्ट की डिमांड आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ये जो है हमारा पतंजलि, वो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाती है। डाबर पहले से एक स्टॉक मार्केट लिस्टेड है, पतंजलि लिस्टेड नहीं है, तो ये सब बातों को आपको ध्यान रखना है। तो ये भी स्टॉक देखिए, अभी तो एक दिन में ये निगेटिव है 1%, 5 days में देखिए तो भी निगेटिव है, 932% का रिटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है फाइजर लिमिटेड ने। ये है फार्मा सेक्टर से, इसके लेवल्स और टारगेट को भी हम बताएंगे आगे वीडियो में। सबसे पहले हम पाँचों स्टॉक्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन स्टॉक में से एक है। 1 month में बात करते हैं तो 1 month में देख लीजिए 0.6% का रिटर्न, 6 month में देख लीजिए तो 6 month में यहां पर देखिएगा तो भी डाउन आपको मिलेगा, 6 month में डाउन। एयरटेल डेट में देख लेते हैं, एयरटेल डेट में अभी आपको डाउन मिलेगा, एयरटेल डेट में 1.5% का रिटर्न, एयरटेल डेट में 1.5%। उसके बाद आप 1 year में देखते हैं तो 1 year में आपको 9.1% का रिटर्न, उसके बाद 5 years में देख लेते हैं, 5 years में देखिए काफ़ी बेहतरीन। अब जो लॉन्ग टर्म में देखिएगा तो ये स्टॉक्स काफ़ी धीरे धीरे चलता है, लेकिन काफ़ी बेहतरीन रिटर्न आपको देगा, देखते हैं 59.2% का रिटर्न। उसके बाद मैक्सिमम ईयर में देखते हैं तो मैक्सिमम ईयर में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, तो मैक्सिमम देखते हैं 6,200। ये स्टॉक्स पीछे तो बेहतरीन रिटर्न दिया ही, आगे आने वाले समय में भी ये आपको एक बेहतरीन रिटर्न देगा, क्योंकि जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है इसके काफ़ी डिमांड बढ़ने वाले हैं आगे। 42% का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। तो लॉन्ग टर्म में जब भी ये धीरे धीरे स्लो चलता है, कभी भी आप देख सकते हैं इसमें जोरदार गिरावट नहीं आएगी, कभी भी ये धीरे धीरे स्टॉक्स थोड़ा सा गिरावट आया फिर रिकवर किया थोड़ा सा, इस तरह से लगातार ये अप ट्रेंड में स्टॉक्स रहने वाला है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। उसके बाद अगला जो हमारा तीसरा स्टॉक है वो है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्री किसमें है? फार्मास्यूटिकल्स में और केमिकल्स में है। तो दोनों जो बिजनेस है काफ़ी बेहतरीन है, स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स दोनों में है ये कंपनी, तो दोनों इंडस्ट्री काफ़ी बेहतरीन है। दोनों इंडस्ट्री केमिकल सेक्टर में आप देखिएगा पिछले कई सालों से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी और काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में आया है जो केमिकल सेक्टर है, साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स ये भी काफ़ी अंडर परफॉर्म था, अब इसमें भी परफॉर्मेंस आने लगा है, तो ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन करने वाली है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में। 1 day में देखिएगा तो 0.40% इसमें तेज़ी है, लेकिन आपको आगे जो काफ़ी करेक्शन इसमें, मतलब 1 month में देखिएगा तो काफ़ी करेक्शन आपको मिलेगा। 5 days में भी ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न दिया है, देखते हैं 5.57%। इसमें हम भी मतलब इधर बाइंग किए हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, साथ साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग दोनों के लिए, तो ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है केमिकल सेक्टर से। 1 month में देखते हैं तो 1 month में रिटर्न है 3.19% का रिटर्न, वहीं 6 month में देखते हैं तो 6 month में भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है, 6 month में देख लीजिए 5.72% का रिटर्न।
वहीं एयरटेल डेट में बात करते हैं तो एयरटेल डेट में भी आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा, 13.87% का रिटर्न। वन ईयर में देखेगा तो वन ईयर में भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, 15.12% का रिटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। फाइव ईयर्स में देखेगा तो फाइव ईयर्स में भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, फाइव ईयर्स में देख लीजिए 356% का रिटर्न। तो देख लीजिए कितना बेहतरीन रिटर्न है, 356% का रिटर्न फाइव ईयर्स में। तो इस तरह के जो चार्ट होते हैं इसे स्टॉक में ही आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होता है। फिर मैक्सिमम ईयर में बात करें तो मैक्सिमम ईयर में तो अगर फार रिटर्न दिया है, देख सकते हैं कितना बेहतरीन रिटर्न है, यहाँ से आप देख लीजिए 42,000% का रिटर्न दिया है जिन्होंने भी लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट किया था, 42,000% का रिटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। ऐसे स्टॉक में जब भी आपको करेक्शन पर मिलता है आपको ज़रूर इन्वेस्ट करनी चाहिए, जैसे 900 के लेवल पर आपको मिल गया तो इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करनी चाहिए। अगर काफ़ी लंबे वक्त के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं अभी भी कर सकते हैं। तो इसके लेवल्स और टारगेट की बात करेंगे कि आप शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म होता है कि अगर आप एक महीने, छः महीने, साल भर के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किस लेवल पर करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी भी प्राइस काफ़ी अच्छा है। अगर आप 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 10 रुपया आगे पीछे कोई खास मायने नहीं रखता है, तो अभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक और बेहतरीन स्टॉक्स जो हमारा है वह इन्फो एज। ये देख सकते हैं आज हमारा 1.80% डाउन है, लेकिन लंबे समय में देखिएगा तो ये भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। अगर 5 डेज में देखिएगा तो भी काफ़ी डाउन है 4%, 1 मंथ में देखिएगा तो 1 मंथ में भी पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है ये, 1 मंथ में 12.46% का रिटर्न। 6 मंथ में देखिएगा तो 6 मंथ में दिया है इस स्टॉक ने 12.42% का रिटर्न। एयरटेल डेट में देखेगा तो वो भी पॉजिटिव रिटर्न, एयरटेल डेट में देखेगा 21.2% का रिटर्न। 1 ईयर में देखेगा तो उसमें भी पॉजिटिव रिटर्न, 1 ईयर में देखेगा तो 39.17% का रिटर्न। 5 ईयर्स में देखेगा तो उसमें भी पॉजिटिव रिटर्न, 5 ईयर्स में देखेगा तो 273% का रिटर्न, 273% का रिटर्न दिया है, 273% का रिटर्न 5 ईयर्स में। फिर मैक्सिमम ईयर में बात करें तो मैक्सिमम ईयर में भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, 2030% का रिटर्न, 2030% का रिटर्न दिया है, 2030% का रिटर्न 2020 तक में, 2006 से लेकर। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, ऐसे ही स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना होता है। इन स्टॉक्स में क्यों करें, क्योंकि ऑनलाइन जो बिजनेसेस है इसके कई सारे, मतलब वेबसाइट हैं, काफ़ी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं जो कि इसके रैंक करते हैं। तो इंडिया के जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उसमें काफ़ी कम कंपनियां हैं, और उसमें स्टॉक मार्केट में लिस्ट तो काफ़ी एक दो ही कंपनियां हैं, जैसे इन्फो एज हो गया, दूसरी कंपनी और आप खोजेंगे तो छोटी बड़ी कंपनी आपको मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, जिसमें से एक मुख्य कंपनी है इन्फो एज। इसके नौकरी.com, जीवनसाथी.com, शिक्षा.com, कई सारे ऐसे ऐसे बेहतरीन वेबसाइट है जो कि इंडिया में रैंक करते हैं। तो ऐसे ही स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना होता है। इसके बाद अगला है हमारा स्टॉक यूपीएल लिमिटेड, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है। 1 डे में देखिएगा 7.85 रुपीज डाउन है, 5 डेज में देखिएगा तो भी ये डाउन मिलेगा, 5 डेज में भी डाउन मिल रहा है आपको। उसके बाद आप 1 मंथ में देखिएगा तो 1 मंथ में ये पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, 1 मंथ में देखिएगा 3.3% का रिटर्न दे रहा है, 6 मंथ में देखिएगा तो भी ये पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, एयरटेल डेट में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, 1 ईयर में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, 5 ईयर्स में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, 5 ईयर्स में देखिएगा तो पॉजिटिव रिटर्न है 24.97% का। मैक्सिमम ईयर में देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, देख सकते हैं मैक्सिमम ईयर में अभी तक में 37,000% का रिटर्न दे रहा है, लेकिन अगर इस पैंडमिक से पहले की बात करें तो 56,000% का रिटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सारे स्टॉक्स, ये जो 5 स्टॉक्स है काफ़ी बेहतरीन है, जिस पर किसी भी पैंडमिक का कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब जब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आएगी तो ये भी स्टॉक्स गिरेंगे, लेकिन किसी भी पैंडमिक सिचुएशन का इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसका जो बिजनेस है एग्रीकल्चर का है, इन्फो एज का, ऑनलाइन सर्विसेज का है। तो उसमें जो है अगर आप बात करें लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई खास इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जब सिचुएशन मेरा नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा सा एड रेवेन्यू डिक्रीज करेगा इस पैंडमिक के कारण। फाइजर लिमिटेड वो एक फार्मा कंपनी है, उस पर कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। आरती इंडस्ट्री केमिकल्स और फार्मा दोनों है, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी। डाबर, इवर ग्रीन सेक्टर
इवर ग्रीन सेक्टर से है जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, उसके साथ साथ आयुर्वेदिक में है, तो काफ़ी बेहतरीन है पांचों कंपनियां। चलिए इसके लेवल्स और टारगेट को जान लेते हैं कि अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो क्या लेवल्स और टारगेट होनी चाहिए। तो दोस्तों यहां आप देख सकते हैं डाबर इंडिया, ये हम जीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ये सारे चार्ट देखते हैं, काफ़ी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर अभी तक आपने अकाउंट ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाइए, अभी अकाउंट ओपन कर लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं RSI काफ़ी गिरा है, मतलब काफ़ी वीकनेस चल रहा है, मतलब इसका प्राइस में जो करेक्शन आ रहा है साथ साथ RSI भी वीक हो रहा है, मतलब जो प्राइस में और ज़्यादा करेक्शन आ सकता है। लेकिन अगर ये स्टिंग दिखाता है RSI तो वहाँ पे आपको बाय करना होता है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। अगर लेवल और टारगेट की बात करें तो इसका बहुत बड़ा सपोर्ट है 450 रुपीज़, इसका बहुत बड़ा सपोर्ट है। 450 कहें या 460 कहें, दोनों यही 510 रुपया आगे पीछे। उसके बाद वहां से गिरावट आता है 430 रुपीज़, इसका सबसे मेजर सपोर्ट होगा 430 रुपीज़ को तभी ब्रेक करेगा जब इसमें रिजल्ट काफ़ी ख़राब आए और साथ साथ जो हमारा मार्केट है उसमें भी करेक्शन आए, तो आपको 430 से नीचे तो आपको ये 400 उससे भी नीचे जा सकता है। लेकिन वैसा कम, बहुत कम संभावना है क्योंकि मार्केट में करेक्शन आएगा, ऐसा बहुत कम संभावना है। तो पहला जो सपोर्ट बनता है कि 450 के आसपास आप इसमें बाय कर सकते हैं, अपना पोजिशन बना सकते हैं। और ऊपर का टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट होगा 500। अगर ये 500 के लेवल को ब्रेक कर देता है और 500 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, यहाँ पर देख लीजिए 520 इसका जो हाई है ऑल टाइम्स का 520, अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो इसमें काफ़ी तेज़ी आपको देखने मिलेगा। अगर 520 के ऊपर ये लेवल ब्रेक करके चला जाता है और वहाँ सस्टेन कर जाता है कुछ दिन, सस्टेन करने के बाद इसमें काफ़ी तेज़ी आपको ऊपर देखने मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि 550 पर जब भी मिले आप पोजीशन बना सकते हैं, और ऊपर के लेवल 520 के ऊपर जब जाता है तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट आपको देगा, तो आप उस मोमेंटम का फ़ायदा उठाएंगे और जहां पर प्रॉफिट बुक करना होगा आप बुक कर लेंगे। तो ये हो गया पोजीशनल ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट प्राइस है आपको यभी से इसमें SIP स्टार्ट करनी चाहिए। स्टॉक SIP क्या होता है, अभी 5 स्टॉक बाय कर लिए, नीचे आता है तो फिर वहाँ पर 5 स्टॉक बाय करेंगे। अब लॉन्ग टर्म की बात करें तो जैसे अभी बेस्ट प्राइस है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, अभी 5 स्टॉक बाय कर लेंगे, जैसे और नीचे आता है 5 स्टॉक्स और ले लेंगे, और नीचे आता है तो 10 स्टॉक्स ले लेंगे, मतलब और नीचे मिलता है तो और ज़्यादा हम नंबर ऑफ स्टॉक्स को बढ़ाएंगे। तो ये तब करना होता है जब आप इस कंपनी के फंडामेंटल्स और बिजनेस और मैनेजमेंट सब चीज़ को देख लिए कि सब हर चीज़ गुड है, मतलब काफ़ी अच्छा है, तब जाके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे कंपनियों में हम SIP मोड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। जो कंपनियों का मैनेजमेंट क्लीन है, कंपनी का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा आगे ग्रो करने वाली है और कंपनी फंडामेंटल रूप से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इस बात को याद रखिएगा, जैसे तैसे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। इसके बाद अगला हमारा स्टॉक है UPL। इसके लेवल्स और टारगेट की बात करेंगे तो इसका ऊपर का टारगेट होगा 900। अगर ये यहाँ से मोमेंटम पकड़ता है, मतलब हमारे मार्केट में काफ़ी तेज़ी देखने मिलती है, मतलब हमारा मार्केट जो है जैसे 12,000 था वहाँ पहुँच जाता है तो इसमें भी तेज़ी आएगा, तो इसका जो लेवल होगा, मतलब कहें जो मैक्सिमम लेवल होगा लॉन्ग टर्म के लिए एक साल के लिए 900 होगा, तो काफ़ी ज़्यादा इस स्टॉक में ऊपर का पोटेंशियल है, नीचे काफ़ी लिमिटेड है। पहला इसका सपोर्ट बनता है जो है 400, अगर इसमें करेक्शन आता है तो 400 इसका पहला सपोर्ट होगा, और जो दूसरा सपोर्ट होगा इसका नीचे का वो होगा 330 के नीचे ये स्टॉक्स आपको देखने नहीं मिलेगा। हमारा तो कहीं मानना है कि ये स्टॉक्स यहीं से आपको नीचे नहीं जाते हुए देखने मिलेगा, ये एग्रीकल्चर सेक्टर से है जिस पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है इस पैंडमिक सिचुएशन का, इस लॉकडाउन का, जो भी सिचुएशन हो, क्योंकि सारे बिजनेसेस सारे इसके काम जो है स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों ये हो गया इसका लेवल्स और टारगेट। अब हम अगले स्टॉक पर चलते हैं, आरती इंडस्ट्री। ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है और इसका जो पहला सपोर्ट लेवल है वो 900 है, 900 के नीचे ये स्टॉक्स आपको मिलने वाला नहीं है। अब बात करें मार्केट में करेक्शन आ जाए बहुत बड़ा, कभी वैसा हो जाए जैसा एक बार हुआ है, तो आपको ये नीचे के प्राइस पर मिल सकता है, नहीं तो इसके नीचे के प्राइस पर मिलने की कोई संभावना नहीं है। RSI भी एकदम नॉर्मल है, 57-58 है। और उसके बाद बात करें ऊपर के लेवल का, ऊपर का जो इसका लेवल होगा 1150 रुपीज़ इसका लेवल होगा, 1150 रुपीज़ इसका लेवल होगा, काफ़ी पोटेंशियल है इस स्टॉक में ऊपर जाने का। तो निश्चित है कि अगर आप इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आपको जैसे 900 के आसपास मिलता है तो आप इसमें पोजिशन बना सकते हैं, जैसा कि हमने भी बनाया है इसमें 895 के ऊपर हमने बनाया है। और देखते हैं अभी हमको यहाँ पर
₹60 का रिटर्न मिल चुका है, ₹60 का रिटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। तो ऐसे स्टॉक जब भी आपको मिलता है कभी भी, तो ज़रूर इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। उसके बाद जो हमारा अगला स्टॉक है वो है फाइजर लिमिटेड। तो फाइजर ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, ये स्टॉक देख सकते हैं यहाँ से आप, इसका जो RSI है 68 का है, ये स्टॉक ब्रेकआउट यहाँ से दे चुका है, ये स्टॉक्स यहाँ से ब्रेकआउट काफ़ी समय से, ये 4100 के आसपास मिल रहा था। तो इसका जो सबसे मेजर सपोर्ट है 4000 के नीचे ये स्टॉक्स आपको कभी भी जल्दी देखने नहीं मिलेगा, और यहाँ से ये ब्रेकआउट दे चुका है, और अभी देखते हैं ये 4388 रुपीज़ पर आपको मिल रहा है। तो यहाँ से अब इसमें कितना आगे मोमेंटम आएगा, तो ये आपको देखना है कि मोमेंटम आता है तो अगर ये 5000 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट इसमें आपको देखने मिलेगा। तो पहला जो इसका लेवल है यहाँ ऊपर वह है 5000, तो अभी भी काफ़ी ऊपर पोटेंशियल है, नीचे इसका काफ़ी लिमिटेड है। ये 4000 जो इसका सपोर्ट है, सबसे मेजर सपोर्ट है। उसके बाद हमारा अगला स्टॉक है Naukri.com InfoEdge, जो Naukri.com है इसको InfoEdge बोलते हैं। यहाँ पर हमारा इसका RSI देखिएगा तो 59 का है, RSI नॉर्मल है, ऐसे RSI में वीकनेस आ रहा है, मतलब यहाँ से प्राइस थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, ये स्टॉक करेक्शन दिखा सकता है। तो इसका जो यहाँ पर नीचे करेक्शन आता है, इसका पहला जो सपोर्ट लेवल बनेगा, जो पहला सपोर्ट लेवल होगा वो होगा 2700 इसका पहला सपोर्ट लेवल होगा, अगर यहाँ से काफ़ी गिरावट इसमें आती है। तो उसके बाद आपको ये अगर यहाँ से नीचे आता है तो 2400 इसका सबसे मेजर सपोर्ट होगा, 2400 के नीचे ये स्टॉक्स आपको जल्दी नहीं मिलेगा, और तभी मिलेगा जब मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आता है या इस स्टॉक में बहुत बड़ा करेक्शन आता है, जैसा कि पैंडमिक से रेवेन्यू इसका भी, मतलब जो एड रेवेन्यू है वो डिक्रीज हुआ है। तो वैसे में अगर इस स्टॉक में करेक्शन आता है तो 2400 इसका सबसे मेजर सपोर्ट होगा, जो लास्ट सपोर्ट होगा, और पहला सपोर्ट आपको 2700 पर मिल जाएगा। तो अगर इसमें करेक्शन आता है तो वेट करें आप उस लेवल का। अब ऊपर के लेवल की बात करें तो यहाँ से आप देखते हैं ये अपना जो हाई है, ऑल टाइम हाई 3100, इसके ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अगर इसके ऊपर ये जाता है और वहाँ से ब्रेकआउट देता है तो 4000 इसका पहला टारगेट होगा, 4000, और ऊपर जो है इसके बिजनेस में निर्भर करता है, अगर बिजनेस में ग्रोथ लगातार दिखा तो ये 5000 भी जा सकता है, काफ़ी पोटेंशियल है इस स्टॉक में। तो ये थे 5 स्टॉक्स जो कि काफ़ी बेहतरीन रिटर्न आगे दे सकते हैं, जिसके हमने टेक्निकल चार्ट्स को बात किया, फंडामेंटल्स हमने कई सारे वीडियो में इसके बात किया है, आगे आने वाले वीडियो में इसके फंडामेंटल्स को हम कवर करेंगे। ऐसे ये 5 स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग। इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना खुद का भी रिसर्च जरूर कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लें। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो।